हरियाणा के गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने कोरोना के डर से खुद को और अपने बेटे को 3 साल तक अपार्टमेंट में कैद रखा। यहाँ तक कि महिला ने अपने पति को भी घर में घुसने नहीं दिया, जिसके वजह से पति किराए के घर में रहकर नौकरी कर रहा था। अब किसी तरह महिला और बच्चे को पुलिस ने, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला है। घर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो एक कबाड़ खाने से कम नहीं है। चक्करपुर से पुलिस का फ़ोन आया था हमारे पास। मैं ऑफिस में ही बैठी थी तो पुलिस ने बताया कि मैम एक यहाँ से चक्करपुर से कोई रेजिडेंट आए हैं और वो किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है वो 3 साल से अंदर बंद है, मेरा बच्चा भी अंदर ही बंद है और वो बाहर भी नहीं आने देती और ना मुझे अंदर जाने देती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमने पुलिस को यही डायरेक्शन दी कि सबसे पहले तो उनकी कंप्लेंट आप दर्ज करो और उस पर फिर एक टीम बनाइए और चाइल्ड लाइन वालों से कांटेक्ट करिए। 1098 पे पहले हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज कराई, फिर चाइल्ड लाइन वहाँ पहुँची पुलिस और उन्होंने एक टीम बना के फिर CWC में एज अ मेंबर मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, फिर उसको रेस्क्यू किया बच्चे को, और पहले लेडी को रेस्क्यू किया फिर बच्चे को रेस्क्यू किया, और डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे सिविल हॉस्पिटल से। और तो कंडीशन बच्चे की तो कंडीशन ठीक थी, बाकी लेडी मेरे से पहले मैं पहुँची जब तक लेडी को रेस्क्यू कर चुके थे वो, तो लेडी को सिविल हॉस्पिटल में ले गए थे और बच्चा मेरे सामने रेस्क्यू किया था। बस कोरोना के डर से उसने अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद जो भी वो ग्रॉसरी भी मंगवा रही हैं, कुछ भी मंगवा रही हैं, तो उन्होंने यही बताया कि मैं हस्बैंड को जो बताती थी फ़ोन पे कि मैं सब कुछ ऑनलाइन मंगवाऊंगी, मैं कोई अंदर मेरे घर के अंदर नहीं आएगा। हस्बैंड से बात होती थी? हस्बैंड से बात करती थी, हस्बैंड उनको शायद पेटीएम भी करते थे, पैसे भी देते थे, हस्बैंड सामान पहुँचाते थे उनको खाने पीने का। महिला की पहचान मुनमुन मांझी के रूप में हुई है, जिन्हें 10 साल के बेटे के साथ गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का पति सुजान मांझी एक इंजीनियर है। सुजान ने कुछ दिन पहले अपने रिश्तेदार और दोस्तों के घर बिताए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने परिवार के संपर्क में रहने के लिए उसे इलाके में एक और घर किराए पर ले लिया। वह वीडियो कॉल के जरिए उन्हें संपर्क में रहकर परिवार की सभी जरूरत को पूरा कर रहा था। सुजान पत्नी वाले घर मासिक किराया, उनके लिए किराए का सामान और सब्जियां खरीदकर मुख्य दरवाजे पर छोड़ देता। महिला का बेटा ऑनलाइन क्लास लेता था। सुजान ने उसे मनाने के कई प्रयास किए, लेकिन सब कुछ विफल रहा। उसने अपने ससुराल वालों को मुनमुन से बात करने के लिए भी कहा, लेकिन मुनमुन अपने फैसले पर इतनी अड़िग थी कि वो कहती थी कि जब तक उनके पास बच्चों के लिए कोविड का टीका नहीं आ जाता, तब तक वह और बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेंगे।